आप लोगों ने कश्यप खरगोश की कहानी तो पढ़ी है ना सबने, मैट्रिक तक पढ़ाई जाती है। क्या मॉरल है जी आपके साहब उसका, कछुए और खरगोश की जो कहानी थी उसका क्या मॉरल है, भूल गया? स्लो एंड स्टडी विन द रेस, राइट। ये हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है ना, ये हमें सिखाया जा रहा है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आई डोंट एग्री दिस, मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं करते। अब इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। पहली शिकस्त के बाद, पहली जहां तक आपने कहानी पढ़ी है ना, वहां तक मैं रिपीट नहीं कर रहा, वो शिकस्त हो गई। अब उस शिकस्त के बाद खरगोश ने बैठ के अपना एनालिसिस किया कि भाई मैं कैसे हार गया, इतनी मेरे अंदर कुवत थी, पोटेंशियल था, रफ्तार थी, टैलेंट था, तो मुझे तो कभी भी हारना नहीं चाहिए था। नो, ये उसने रूट काज जो है ना अपना एनालिसिस किया कि मुझे क्यों हारा हूं मैं। उसे पता लगा कि बेजा एतमाद और लापरवाही ने शिकस्त दी और नौ की बात नहीं थी। उसने रीमैच के लिए चैलेंज किया कछुओं के, दोबारा दौड़ो, शिकस्त का दाव जो धोना है। उसने कहा ठीक है दौड़ लो, दोबारा दौड़ शुरू हुई। अब कमिटमेंट सेकंड की, खरगोश की कमिटमेंट थी कि अभी अब मैंने मंदिर पर पहुंचने से पहले सांस नहीं लेना, दम नहीं लेना, मंदिर पर पहुंच कर रेस्ट कर रहा है। वो भागा, बहुत तेज भागा, बगैर रुके भागा। कई मील के मार्जिन से खरगोश को शिकस्त दे दी, सॉरी कछुओं को शिकस्त दे दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड परसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो, तेज रफ्तार और मुश्किल मिजाज जीतेगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब कछुआ बैठ के सोच रहा है, उसने कहा कि भाई खरगोश को अपनी सलाहियतों का पता लग गया, इसने अपने आप को पहचान लिया, अब मुझे सारी जिंदगी शिकस्त का दाग माथे पर लेकर जीना पड़ेगा। नाक कट के जंगल बरादरी में सारी को कहेंगे वो देखो जा रहा है, हाँ शख्स मैं क्या मुड़े के जंगल में जाऊंगा, बड़ा परेशान। अब उसने अपना एनालिसिस किया, उसके जहन में एक प्लान आया, उसने अब दोबारा खरगोश को रीमैच के लिए चैलेंज किया। उसने कहा जी कि दोबारा दौड़ना है। अब खरगोश तो अपने आप को पहचान चुका था, उसने कहा दौड़ दो। उसने कहा लेकिन एक तब्दीली होगी। उसने कहा क्या? कहता है इस मरतबा रेस शिमाल की सीमत नहीं जनूब की सीमत होगी। उसने कहा 100 मीटर दौड़ना है ना, 5 मील दौड़ना है, इधर दौड़ लो इधर दौड़ो। ठीक हो गया, मैच फिक्स हुआ, डेट तय हुई, रेफरीज आए, दौड़ शुरू हुई। अब खरगोश की कमिटमेंट है कि मैंने तो भाग रहा है, वो तेज भागा, बहुत तेज भागा, बगैर रुके भागा, और 4 मील के बाद आगे दरिया आ गया और पुल टूटा हुआ था। पर आपको पता है कि खरगोश को तैरना नहीं आता। अब वो टकरे मार रहा है, परेशान हो रहा है, वकार साहब की तरह परेशान कि मैंने तो पूरा काम किया, ये किस्मत कहां से आ गई बीच में। देखिए मैं ना रुका, ना मैंने लापरवाही की, ना मैंने, मेरी तो कोई गलती नहीं, गलती है जी इसमें खरगोश की, बजाहर है गलती, बजाहर खरगोश की कोई गलती नहीं, मैंने तो सब कुछ सही किया, डेडिकेशन कमिटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो बड़ा टेंशन में परेशान, इधर टक्कर मार रहे कि अब क्या होगा। कुछ 6 घंटे के बाद वो रींगता कछुआ वहां पर आया। उसने तमसिया नजरों से उसे देखा, पानी में उतरा और दरिया के बाहर निकला। अब जी ना आपको वंस अगेन हु इज द चैंपियन, व्हाट्स मॉरल ऑफ द स्टोरी? सर डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए। नहीं, और योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। ओके, और ओके नंबर 1, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस, देन सेलेक्ट योर प्लेइंग ग्राउंड। कॉम्प्रिहेंसिव, यस, योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस। उसे पता था कि जो पानी वाला मामला आ रहा है ना आगे जाके, वहां पर ये रह जाएगा। फर्स्ट सेलेक्ट योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस, देन जंप इन द प्लेइंग ग्राउंड। तो सबसे पहले आपको ऐसा, अभी कहानी भी खत्म नहीं हुई, इसके बाकी पार्ट अभी किताब लेके पढ़ सकते हैं, उसमें भी इसकी आगे भी कहानी है, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। रिलेटेड तो टॉपिक इतनी ही थी, वो मैंने आपको सुना दी है। अब कछुआ जो है ना वो जीत गया। अब उसमें एक आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस, देन सेलेक्ट योर ओन प्लेइंग ग्राउंड। पहचानने कि आपके अंदर कुछ खास लाइट है जो दूसरों में नहीं है। तो जो मैं आपसे सवाल कर रहा था ना मैडम, वो ये था कि स्पेसिफाई होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कि आपके अंदर की क्वालिटी जिसमें एक्सेल कर सकती हैं, वो काम जो मैं नहीं कर सकता।